हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना, द केमिस्ट्री एक्सपर्ट ऑफ डीएसए। आज हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में कौन सा टॉपिक देखा था? हमने देखा था व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बच्चों कि ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, ये एक दूसरे में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं बच्चों? आइस का एग्जाम्पल, फ्रिज से अगर मैंने आइस निकाल लिया, आइस ठंडा ठंडा होता है बट सॉलिड स्टेट में होता है, उसे मैंने अगर बाहर निकाल दिया और पानी में डाल दिया या फिर ऐसे टेबल में, प्लेट में रख लिया, तो क्या होगा बच्चों? आप सभी जानते हैं कि वो आइस पिघल जाएगा, बेचारा गर्मी के मारे पिघल जाएगा और पानी पानी हो जाएगा। तो वो क्या हो गया? पहले आइस था, आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गया। और इसी कंटेनर को, इसी प्लेट को अगर मैं धूप में ले जाके रखूं या फिर मैं इसको आग के ऊपर रख दूं, तो आग में रखने से क्या होगा बच्चों? ये पानी उबलने लग जाएगा और उबलते उबलते वेपर्स में बन जाएगा। मतलब आइस का कन्वर्शन होता है वाटर में, वाटर का कन्वर्शन होता है वाटर वेपर में। इसी का मतलब सॉलिड कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होते हैं गैस में। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में, लिक्विड का कन्वर्शन गैस में। दो तरीके से, एक रहेगा टेम्परेचर के बेसिस पे, एक रहेगा प्रेशर के बेसिस पे। तो बच्चों, दो तरीके से हम ये कन्वर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहला कन्वर्शन हम देखेंगे, हाउ स्टेट्स कैन बी चेंज बाय यूजिंग टेम्परेचर। मतलब देखो बच्चों, सॉलिड, लिक्विड, गैस में हमने कहा था कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं किस तरीके से बड़े प्यार से, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से अपने पास बैठते हैं। मतलब कि जैसे आप क्लासरूम में बैठते हो सिस्टमैटिक तरीके से, वैसे बैठते हैं। और लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े पिकनिक स्टाइल में बैठते हैं, मतलब थोड़े से इधर उधर हिलते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, कोई अपने जगह पे नहीं रहता है और थोड़ी मूवमेंट हो सकती है। और गैस के पार्टिकल्स आपके गेम्स पीरियड की तरह रहते हैं कि पार्टिकल्स पूरे ग्राउंड में खेल सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, बाहर भी निकल सकते हैं। देखो बच्चों, सॉलिड को रखने के लिए हमें कंटेनर की जरूरत नहीं है, लिक्विड को रखने के लिए हमको कंटेनर लगता है, लेकिन लिक्विड कंटेनर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन अगर गैस को आपने कंटेनर में रख दिया और ढक्कन खुला छोड़ दिया, तो गैस बेचारी बाहर निकल जाएगी। इसी का मतलब ये बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं। अब अगर इन तीनों सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे, तो इन तीनों सब्सटेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी। तो बच्चों, एनर्जी पर अगर हम ध्यान दें, एनर्जी का क्या लेना देना होगा यहां पर? अब एनर्जी के बारे में आप जानते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स की एनर्जी मिनिमम होती है, लिक्विड के पार्टिकल्स की एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होती है और गैस की सबसे ज्यादा होती है। क्या बात समझ में आ गई? सो अगर मुझे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, इसी का मतलब मुझे सॉलिड के पार्टिकल्स को एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब कि मैं बाहर से इस सॉलिड के पार्टिकल्स को एनर्जी दूंगा। बच्चों, हम एनर्जी कैसे दे सकते हैं? देर आर नंबर ऑफ वेज टू गिव द एनर्जी। तो इसी तरीके से हमने जब टेम्परेचर की बात की, तो टेम्परेचर का मतलब होता है कुछ उसमें डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब उसे गर्म करना या ठंडा करना। तो कहने का मतलब है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के पास एनर्जी कम है बच्चों, मतलब इसके पास एनर्जी लो है, इसकी एनर्जी लो है। एंड लिक्विड के पार्टिकल्स की बात अगर हम करते हैं, तो इसकी एनर्जी कैसी होती है बच्चों, बताओ मुझे? इंटरमीडिएट हमने कल देखा था, इंटरमीडिएट होती है, लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है। और गैस के पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि हाई होती है। ये तीन चीज हमें लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। सॉलिड के पार्टिकल्स की एनर्जी लो है, लिक्विड के पार्टिकल्स की एनर्जी इंटरमीडिएट, मतलब सॉलिड और गैस के बीच में रहती है, और गैस के पार्टिकल की एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है। जैसे कि क्लासरूम में बेचारे बच्चों, आपकी एनर्जी कैसे डाउन बैठी है ना, पूरा मुंह उतरा के बैठे हो। लेकिन लिक्विड की जब पिकनिक रहेगी, अगर पिकनिक में मैं ले जाता हूँ आप लोग को, तो कितने मजा करोगे, कितने खुश होगे। और गेम स्पिरिट दे दूंगा तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा ऊपर हो जाएगी। क्लास में सर नींद आ रही, सर बोर हो रहा है, जैसे ग्राउंड पे जाओगे नींद वींद सब भाग जाएगी, होगा कि नहीं होगा? तो वैसे ही इन पार्टिकल्स के साथ भी ऐसा ही होता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो एनर्जी है, हमने क्या कहा, हमें कन्वर्ट करना है सॉलिड को लिक्विड में, तो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब कि मैं इसको टेम्परेचर दूंगा, अगर मैंने इस सॉलिड को टेम्परेचर ऊपर का एरो, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया,
पहले टेम्परेचर 10 था, मैंने उसको हीट कर दिया, अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा? जल्दी से बताएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी, मतलब टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा एनर्जी बढ़ गई, और एनर्जी बढ़ गई तो सॉलिड का कन्वर्शन, मतलब ये हमारा सॉलिड है, सॉलिड स्टेट का कन्वर्शन बच्चों किस में हो गया? ये हमारा कौन सा स्टेट आ गया? लिक्विड स्टेट। सॉलिड का कन्वर्शन हो गया लिक्विड स्टेट में। बात समझ में आ रही है? सो दैट इज द सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन इसी का अगर मैं उल्टा करना हो, मतलब अगर मेरे पास पानी है, पानी को मुझे बर्फ बनाना है, तो मैं उसे कहां रख दूंगा? धूप में रख दूंगा? नहीं बच्चों, हम उसको रखेंगे फ्रीजर में। तो जब अगर मुझे इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो मुझे इसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। राइट बच्चों, टेम्परेचर कम करेंगे तब लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। इसी तरीके से लिक्विड को अगर हम गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बच्चों मुझे बताओ एनर्जी बढ़ाना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? बताओ जल्दी से। हमने यहां पर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हुए किया, जो वही करेंगे टेम्परेचर बढ़ा देंगे। राइट, तो टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो एनर्जी बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स धीरे धीरे मूव हो रहे थे अब जोर से मूव करेंगे, और वो गैस फेज, मतलब ये हमारा कौन सा फेज हो गया? गैस फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगेन इसका उल्टा करना है मुझे, तो इसको उल्टा करने के लिए मुझे एनर्जी कम करनी पड़ेगी कि ज्यादा करनी पड़ेगी? एनर्जी कम करनी पड़ेगी, इसी का मतलब मुझे टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा। मतलब कि इसका एग्जाम्पल, सर आप बताइए इसका एग्जाम्पल क्या है? हमने फ्रिज से ठंडी ठंडी पानी की बोतल रख दी टेबल पे, क्या होगा? 5 मिनट के बाद आप आके देखोगे तो उस बोतल के बाहर पसीना निकला होगा, बेचारी बोतल भी पसीना पसीना हो जाएगी। क्या वो बोतल का पसीना होगा? क्या होगा वो? क्या बोतल के अंदर का पानी बोतल के बाहर निकल गया? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, हमारे एयर में बहुत सारा वाटर वेपर प्रेजेंट है, हमने ठंडा ठंडा पानी ला दिया तो उसको टेम्परेचर कम हो गया ना बच्चों। टेम्परेचर कम हो गया तो इस एनवायरमेंट की जो वाटर वेपर है वो ठंडी हो गई, ठंडी होगी तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी और बोतल के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, जिसे हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। अब हम इन सभी प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगेन अगर हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन है कि हमारे पास गैस है, मुझे उसको सॉलिड कन्वर्ट करना है, अब क्वेश्चन आता है मुझे बच्चों बताओ कि गैस की एनर्जी ज्यादा कि सॉलिड की एनर्जी ज्यादा? गैस की एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा है, इसी का मतलब मुझे अगर गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो बच्चों मुझे उसकी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, एनर्जी कम करना है मुझे तो मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? तो मुझे उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर अगर मैं कम करूंगा तब वो गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और इसी का अपोजिट अगर हम करते हैं, इसका अपोजिट मतलब अगर मुझे सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कि एनर्जी के बारे में, सॉलिड की एनर्जी कम है गैस की एनर्जी ज्यादा है तो मुझे एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। एनर्जी बढ़ाने के लिए हम क्या बढ़ाएंगे बच्चों? टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हमारे सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस, और गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, और वाइस वर्सा, ये उल्टा भी होता है, सामने भी जाएगा पीछे भी आएगा। तो ये एक बेसिक टर्म हुआ, इसको आप हम समझ चुके हैं। अब हम इनके नाम को समझते हैं कि इसमें हमारे पास जो हमने प्रोसेस देखी उस प्रोसेस के नाम क्या है। तो बच्चों यहाँ पर ये अब सॉलिड बन गया, अब देखो अब कंफ्यूज नहीं होना, वो वाले डायग्राम और ये वाले डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होना, ये सॉलिड है और ये क्या है, ये कंटेनर में दिख रहा है, उड़ रहा नहीं है, मतलब ये क्या है, लिक्विड है, और ये क्या है हमारा, क्लाउड्स, मतलब गैस फॉर्म में, ये तीन फॉर्म दिख रहे हैं। अब सॉलिड के पास एनर्जी ज्यादा है तो क्या करूंगा मैं बच्चों, जल्दी से बताएंगे मुझे, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं इसका तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस को, द प्रोसेस इन विच सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग,
इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं और इसके रिवर्स प्रोसेस को व्हेन लिक्विड्स गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड इट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। और ये फ्रीजिंग जो प्रोसेस है बच्चों, ये रिवर्स प्रोसेस है, तो इसमें हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी। बात क्लियर है? नेक्स्ट वन, लिक्विड को अगर हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो अब देखो बच्चों यहां पर जो एग्जांपल है ये वाटर का एग्जांपल है। अब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहा है तो मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे जो टर्म यूज किया है वो है इवापोरेशन बच्चों, लेकिन ये टर्म कहा जाता है लिक्विड वाटर के लिए। एक्चुअल जो टर्म है इवापोरेशन की जगह पर हम यूज करते हैं बॉइलिंग। हम यहां पर वर्ड यूज करेंगे, ये जो वर्ड है एक्चुअल में ये जो वर्ड रहना चाहिए था ये रहना चाहिए था बॉइलिंग, ये जो टर्म चाहिए था ये रहना चाहिए था बॉइलिंग। सो अब जैसे कि अगर लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में तो वो बॉइलिंग हो गया, वैसे ही गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ठंडी ठंडी बॉटल को टेबल पे ला लेंगे तो कैसे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, वो प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। और उसमें टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, कम होगा। क्यों कम होगा? गैस के पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी है, उनको हमें कम एनर्जी में लाना है तो उसकी एनर्जी बाहर निकालनी पड़ेगी या उसकी एनर्जी लो करनी पड़ेगी। एनर्जी लो करने के लिए हम उसको ठंडा करेंगे, टेम्परेचर कम करने पर एनर्जी कम होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ जाती है। ये बात यहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। देखो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड का लिक्विड, जब भी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्शन हुआ तो हमने क्या बोला उस प्रोसेस को, क्या कहा हमने इसको, मेल्टिंग। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्शन हुआ तो उसको हमने मेल्टिंग कहा। अगर लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्शन होगा तो उसे हम कहेंगे फ्रीजिंग। ये बात समझ में आ गई आपको? इज इट क्लियर? फ्रीजिंग तक पॉइंट क्लियर है? अगर मेरे पास लिक्विड है, लिक्विड को मैं गैस में कन्वर्ट कर रहा हूं या गैस को मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इस लिक्विड का गैस में कन्वर्शन होगा, लिक्विड का जब गैस में कन्वर्शन होगा तब हम इसको बोलेंगे बॉइलिंग। क्या कहेंगे बच्चों? हम इसको बॉइलिंग कहेंगे। और जब गैस का लिक्विड में कन्वर्शन हो रहा है, देखो यहां पर गैस का लिक्विड में कन्वर्शन जब होगा तब हम इसे कहेंगे कंडेंसेशन। क्या कहेंगे बच्चों? कंडेंसेशन। ओके, कंडेंसेशन की स्पेलिंग यहां पर अच्छे से दी गई है तो आप यहां से चेक कर लेंगे। तो जस्ट रिव्यू के लिए है अगेन। अब हमारे पास एक और कन्वर्शन है गैस और सॉलिड का, तो गैस और सॉलिड को जब हमें कन्वर्ट करना है तब क्या करेंगे, तो मतलब गैस के पार्टिकल के पास एनर्जी ज्यादा है, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। और यहां वर्ड हम बोलेंगे इसे डिपोजिशन, इसे डी सब्लिमेशन भी कहा जाता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिया जाएगा, सॉलिडिफिकेशन भी नाम कभी कभी कहा जाता है, पर डी पोजिशन एक अच्छा टर्म है कि जब सॉलिड है उसको हमें, सॉरी गैस है, गैस को हमको सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो ठंडा करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा डिपोजिशन। और इसका उल्टा अगर सॉलिड है, सॉलिड का डायरेक्टली हम गैस में कन्वर्शन करते हैं तो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन। बच्चों इसका एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं सॉलिड का कन्वर्शन। अगर मैं सॉलिड का कन्वर्शन करता हूं गैस में तो बच्चों इस कन्वर्शन में क्या होगा बताओ मुझे, या इसका उल्टा कन्वर्शन भी हम कर सकते हैं, इसको मैं रिवर्स भी कर सकता हूं। देन ये जो फॉरवर्ड प्रोसेस हो रहा है, जो फॉरवर्ड प्रोसेस हो रहा है इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इसे हम कहेंगे सब्लिमेशन। क्यों? इसका एग्जांपल है बच्चों हमारे पास नेप्थेलिन बॉल या कपूर, यू नो कपूर, यहां मैं लिख लेता हूं नेप्थेलिन बॉल। और सॉरी नेप्थेलिन बॉल मतलब क्या होता है बच्चों मुझे बताओ आप लोग हिंदी में इसे क्या कहते हैं? जब हम कपड़ों में, यू नो अलमारी में हम छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट बॉल रख देते हैं जिससे कि हमारे कपड़े अच्छे रहे, तो ये नेप्थेलिन बॉल, वो जो व्हाइट व्हाइट बॉल्स हमने रखी वो क्या वो पानी पानी बन जाता है? अगर वो पानी बनेगा तो हमारे कपड़े तो गीले हो जाएंगे, लेकिन ये गीला नहीं होता, ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। मतलब ये पहले सॉलिड रहता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है बच्चों। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, क्या आप जानते हैं इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम आई थिंक डांबर गोली, हिंदी या मराठी आई डोंट नो, डांबर गोली इसे हम, मतलब जनरल लैंग्वेज में हम इसे डांबर गोली कहते हैं। और इस डांबर गोली को हम कबर्ड में रखते हैं और जब
बहुत दिन तक कपड़े रहते तो ये गायब हो जाता है, छोटा छोटा हो जाता है, कभी आप ट्राई करके देखना। तो ये एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है कैम्फर। कैम्फर, कैम्फर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ मुझे। कैम्फर मतलब, कैम्फर मतलब कपूर। कपूर जलाया कभी आपने आरती में? कपूर जलाया तो क्या होता है, कपूर जब हम जलाते हैं तो क्या वो लिक्विड बनता है? नहीं, वो डायरेक्टली गायब हो जाता है, मतलब वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में। तो ये प्रोसेस क्या हो गई बच्चों, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। ये दोनों, ये सब जो भी प्रोसेस हो रही है, ये सब क्या हो रहा है, सब्लिमेशन। क्या हो रहा है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या हुआ, व्हेन सॉलिड गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। मतलब अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम बोलेंगे सब्लिमेशन। इसी का रिवर्स अगर प्रोसेस होता है तो हम उसको बोलते हैं डिपोजिशन। बच्चों अगर इसका रिवर्स प्रोसेस हो गया, मतलब गैस अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो गई तो उसे हम कहेंगे डिपोजिशन। तो यहां तक के बच्चों कन्वर्शन की बातें क्लियर हो गई, मतलब कि अब हम अगर इसको सिंपल तरीके से और डिफाइन करना चाहे तो मैं यहां पर एक चार्ट बनाना चाहूंगा। सॉलिड है, इसी को मैं कन्वर्ट करूंगा लिक्विड में, लिक्विड को कन्वर्ट करूंगा गैस में, और इसी का अगर मैं रिवर्स करता हूं तो क्या होगा। तो बच्चों बताएंगे मुझे एक एक करके, सॉलिड का अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं बच्चों हम उसको, मेल्टिंग। और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर, टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ही सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्शन होगा। अगेन लिक्विड का अगर गैस में हम कन्वर्शन करते हैं, लिक्विड को अगर हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग। बच्चों इसे हम कहते हैं बॉइलिंग। और बॉइलिंग करते वक्त भी क्या होगा बताएंगे मुझे, टेम्परेचर बढ़ेगा कम होगा, लिक्विड की एनर्जी कम गैस की एनर्जी ज्यादा, मतलब कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर यहां भी बढ़ेगा, टेम्परेचर यहां भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी और सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्शन होगा। इसके बाद अगर हम उल्टा करते हैं, उल्टा मतलब बच्चों टेम्परेचर कम करना है, अब इसको कूल कर देते हैं हम लोग, ग्रीन में बना लेते हैं। टेम्परेचर अगर मैं कम करूंगा तो टेम्परेचर कम करने पर गैस लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड सॉलिड बन जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई हमको, कैसे एग्जांपल, मतलब पानी को फ्रीजर में रख दिया तो सॉलिड बन जाता है। तो अब बस प्रोसेस का नाम ध्यान में रखते हैं हम लोग कि प्रोसेस का नाम क्या है, गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। बच्चों क्या कहते हैं उसे, कंडेंसेशन। रिमेंबर उस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। और अगर लिक्विड को अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। अब बच्चों एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी इन टर्म्स के एक्स्ट्रा नाम भी आते हैं, जैसे मेल्टिंग को कभी कभी फ्यूजन भी कहा जाता है, हम आगे पढ़ेंगे, मेल्टिंग को फ्यूजन भी कहा जाता है, बॉइलिंग को वेपोराइजेशन भी कहा जाता है। अब ये कन्वर्शन हुए सॉलिड लिक्विड गैस के, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि सॉलिड कभी कभी डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो ये सॉलिड को अगर हम डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दे तब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। इसका एग्जांपल मैंने आपको दो दो एग्जांपल बताया, नेप्थलीन बॉल और कैम्फर का एग्जांपल। तो इस प्रोसेस को बच्चों मुझे बताएंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। क्या कहेंगे बच्चों, अगर सब्लिमेशन, if what is the process in which solid gets converted into gas directly without converting into liquid। और इसका opposite होता है, अगर हमारा gas directly solid में convert होना चाहता है, इस process को बच्चों हम क्या कहेंगे, इस process को हम कहेंगे deposition। क्या कहेंगे, deposition, क्योंकि gas directly solid में convert हो गया। तो इस तरीके के प्रोसेस है हमारा, ये हुआ कन्वर्शन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर है, क्या बात यहां तक क्लियर है। अबाउट अगेन दिस वन, दिस इज एक्सप्लेनिंग द टेम्परेचर रूल। जब गैस में पार्टिकल्स है तो गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा एनर्जी मूव करे, देखो ढक्कन लगा के रखा है, उड़ जाएंगे नहीं तो। अब इसको अगर मैं बर्फ रख दूं इसके बाहर, फ्रीजर में रख दूंगा, तो ये जो गैस है ये क्या होगा, थोड़ा एनर्जी कम हो जाएगी और इस कंटेनर में आ जाएगा।
पार्टिकल्स रुक जाएंगे थोड़े लिक्विड के कंटे लिक्विड के फेस में आ जाएंगे, ओके देन अगर इसको और ठंडा कर दिया तो वो सॉलिड फेस में आ जाएगा, अगर इसको और ठंडा कर दिया तो वो सॉलिड फेस में आएगा, जैसे कि यहां पर आया है हमारे पास में। सो अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं, ही सी हियर, ये गैस है, यहाँ पे एनर्जी क्या है बच्चों, एनर्जी बहुत हाई है, यहाँ पे एनर्जी इंटरमीडिएट है, ये बात हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये इंटरमीडिएट एनर्जी होता है, और सॉलिड में क्या होता है एनर्जी, लो एनर्जी होगा सॉलिड में। इसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को यहां पर जब ये कन्वर्शन करेंगे तो टेम्परेचर मैं कम करूंगा तब ये प्रोसेस होगा, अगर मैं लिक्विड से का टेम्परेचर और कम करूंगा तो वो सॉलिड बन जाएगा, अगर मुझे इसका रिवर्स प्रोसेस करना है तो मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब सॉलिड का टेम्परेचर मैं बढ़ाऊंगा तब जाकर ये बन जाएगा लिक्विड, और अगर मैं लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तब जाकर ये बन जाएगा गैस। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं किस तरीके से, ओके यहाँ पर टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ेगा, राइट, क्यों बढ़ाना पड़ेगा, ताकि सॉलिड कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में और लिक्विड कन्वर्ट हो जाए गैस में। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस हो गया सॉलिड लिक्विड गैस का कन्वर्शन। अब इसके बाद जो पॉइंट है हमारा कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स इन मैटर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं बच्चों। तो जैसे कि आज के लेक्चर में हमने क्या कौन सा पॉइंट देखा है, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया द स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस इंटरकन्वर्शन, उनका इंटरकन्वर्शन मतलब सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट होगा, और इनके बीच में जो कन्वर्शन होने वाले हैं उसमें टेम्परेचर कैसा काम करता है। तो दैट वॉज टूडेज लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अबाउट इंटरकन्वर्शन ऑफ स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर डिस्कस करेंगे, ओके?